हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल आर्ट्स चैनल। मैं हूं कुणाल। तो गाइस, आज हम एक छोटा सा कंपैरिजन करने वाले हैं मी A3 और रियल मी 5 प्रो के बीच में, जिसमें दोस्तों हम इसके 5 मेजर पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे जो कि दोस्तों एक फ़ोन को अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो अगर गाइस आप इन दोनों में से किसी फ़ोन को लेने की सोच रहे थे तो दोस्तों आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, हो सकता है दोस्तों ये आपके लिए यूज़फुल हो। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही फोन के कैमरा की। तो दोस्तों Realme 5 Pro में बैक में हमें क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों जो मेन कैमरा होगा वो होगा दोस्तों 48 मेगापिक्सल का, जो कि दोस्तों सोनी के IMX586 सेंसर के साथ में आता है, जो कि दोस्तों हमें Realme X में भी देखने को मिला था। साथ ही दोस्तों हमें एक अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा जो कि होगा दोस्तों 8 मेगापिक्सल का। साथ में दोस्तों एक मैक्रो लेंस में हमें देखने को मिल जाएगा जो कि होगा दोस्तों 2 मेगापिक्सल का। साथ में दोस्तों जो फोर्थ कैमरा है वो हमें 2 मेगापिक्सल का मिलेगा डेप्थ सेंसिंग के लिए। और साथ ही दोस्तों Realme 5 Pro का फ्रंट कैमरा हमें जो है 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों एज इट इज Realme X की तरह ही होगा। तो अगर दोस्तों हम Mi A3 की बात करें तो इसमें हमें बैक में ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों अगेन आपको जो मेन कैमरा मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों 48 मेगापिक्सल का, जो कि दोस्तों सोनी IMX586 सेंसर के साथ में आता है। साथ में दोस्तों इसमें भी आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का। साथ ही दोस्तों 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर दोस्तों मी A3 के फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें हमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। तो ये तो होगी दोस्तों बात कैमरा की, आइए अब बात कर लेते हैं दोनों ही फोन के स्क्रीन की, जिसमें दोस्तों Realme 5 Pro में हमें 6.3 इंचेस की एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। और साथ में दोस्तों जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो हमें बैक पे देखने को मिल जाता है। और वहीं दोस्तों अगर हम Mi A3 की बात करें तो दोस्तों इसमें हमें जो है 6.08 इंचेस की एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है HD प्लस। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमें फुल HD प्लस देखने को नहीं मिलती। और साथ में दोस्तों जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें इसमें इन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो आइए दोस्तों दोनों ही फोन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। तो Mi A3 में दोस्तों हमें मिल जाता है स्नैपड्रैगन 665, जो कि दोस्तों ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। और अगर दोस्तों हम इसमें सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें हमें एंड्रॉयड 9 पाई देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड 1 के ऊपर, जिसमें दोस्तों आपको एक्स्ट्रा कुछ भी ब्लॉटवेयर या कुछ एक्स्ट्रा एप्स देखने को नहीं मिलती। और वहीं दोस्तों अगर हम Realme 5 Pro की बात करें तो इसमें हमें Snapdragon 712 Octa-Core प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों Android 9 Pie के साथ आता है। और इसके साथ में हमें ColorOS 6 देखने को मिल जाती है, जिसमें दोस्तों बहुत सारा ब्लॉटवेयर देखने को मिल जाता है। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोनों ही फोन के बैटरी और चार्जिंग की। तो दोस्तों दोनों ही फोन में हमें एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जहां दोस्तों Mi A3 में हमें 4030 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, वहीं हमें Realme 5 Pro में 4035 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और गाइस दोनों ही फोन जो है फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, और साथ में आपको दोनों ही फोन टाइप सी पोर्ट के साथ में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों Mi A3 जो है वो 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन हमें बॉक्स में रेगुलर 10 वोल्ट का ही चार्जर देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आप Mi A3 खरीदते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको फास्ट चार्जिंग के लिए अलग से चार्जर लेना पड़ेगा। और वहीं दोस्तों हम Realme 5 Pro की बात करें तो ये 20 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिसमें हमें जो फास्ट चार्जर है वो बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है। तो आइए दोस्तों लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी की। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम Mi A3 की बात करें तो ये हमें जो है दो वेरियंट में देखने को मिल जाता है, जो कि है दोस्तों 4+64 GB और दूसरा जो है दोस्तों 6+128 GB, जिसमें दोस्तों 4+64 की जो प्राइस है वो है दोस्तों 13,000 रुपये, और जो 6+128 GB है उसकी प्राइस है दोस्तों 15,000 रुपये। और वहीं दोस्तों अगर हम Realme 5 Pro की बात करते हैं तो ये हमें तीन वेरिएंट में देखने को मिल जाता है, जिसमें दोस्तों 4+64 होगा जिसकी प्राइस है दोस्तों 14,000 रुपये, और दूसरा होगा दोस्तों 6+64 GB जिसकी प्राइस है दोस्तों 15,000 रुपये, और तीसरा जो है दोस्तों 8+128 GB जिसकी प्राइस है दोस्तों 17,000 रुपये। और दोनों ही फोन दोस्तों ऑनलाइन एक्सक्लूसिव होंगे, जहां दोस्तों Mi A3 आपको Amazon पर देखने को मिलेगा, वहीं दोस्तों Realme 5 Pro आपको Flipkart पर देखने को मिल जाएगा। तो बस दोस्तों ये थे 5 मेजर पॉइंट्स
दोस्तों अगर आप भी फोन लेने की सोच रहे हैं इन दोनों में से, तो आप इन 5 पॉइंट को कंसीडर करके आप अपने लिए एक अच्छा फोन ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर से कर देना, और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, जिससे कि दोस्तों आपको डेली कुछ ना कुछ ऐसी ही टेक अपडेट्स मिलती रहेंगी। और साथ ही दोस्तों आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि दोस्तों वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलती रहे। और साथ ही दोस्तों अगर आपकी कुछ क्वेरी होती है तो आप मुझे सोशल मीडिया पर DM करके भी पूछ सकते हैं।